नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड के सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी के प्लांट फिजियोलॉजी नामक पेपर से एक टॉपिक। विद्यार्थियों, ये टॉपिक वाटर रिलेशन इन प्लांट सेल या वाटर प्लांट रिलेशन से रिलेटेड हैं। अभी तक इस टॉपिक से हमने विसरण और प्रसरण के बारे में पढ़ रखा है। जब किसी कोशिका में जल बहिर्गमन करता है या कोशिका में परिवेशित होता है, उस स्थिति में उस कोशिका में विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण कोशिका के आकार में उसके वृद्धि में परिवर्तन होता है और वही विभिन्न प्रकार के दाब आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप डायरेक्ट इससे जुड़ सके। इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिकाओं उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब और उनके मध्य संबंध क्या होता है, इससे पूर्व पड़ेगी प्रसरण और विसरण को समझने के लिए पूर्व में अपलोड किए गए वीडियोस का अवलोकन एक बार आप जरूर करें। विद्यार्थियों, ये जो एक डायग्राम है वो एक प्लांट सेल का है। इस प्लांट सेल के अंतर्गत ये सबसे आंतरिक परत और जीवद्रव्य के तंत्र पाई जाती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा जीवद्रव्य कला कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जीवद्रव्य कला, सिंपल सा थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपन समझते हैं जो अपने फिजियोलॉजी के रूप में पढ़ना है। इसके बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है, इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और रिक्तिका के चारों तरफ पाई जाने वाली इस लेयर को या झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि प्लांट सेल है तो उसके अंदर पाए जाने वाली रिक्तिका छोटी नहीं होकर कैसे होगी, बड़ी रिक्तिका होगी, जो पादप कोशिका का एक विशेष गुण है। इस रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले इस द्रवीय पदार्थ को कोशिका रस के नाम से या सेल सैप के नाम से जानते हैं। जैसे ही कोई विलायक के अणु, विलायक मुख्य रूप से जल होगा, जल के अणु इस कोशिका के विलयन में या कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये इस झिल्लीबद्ध संरचना से पार होकर जाता है। ये झिल्लीबद्ध संरचना अर्धपारगमी झिल्ली के रूप में कार्य करती है। हमने प्रसरण क्रिया के अंतर्गत कब पढ़ा था कि झिल्लियाँ कितनी प्रकार की होती है, एक तो होती है अर्धपारगमी, एक होती है अपारगमी, एक होती है विभेदात्मक या चयनात्मक पारगमी और तीसरी होती है, चौथी होती है पारगमी प्रकार की। तो ये जो झिल्ली है वो अर्धपारगमी, अर्थात इसमें से केवल विलायक के अणु आवागमन कर सकते हैं, पारगमित हो सकते हैं, विलय के नहीं, क्योंकि विलय के कणों का आकार बड़ा होता है, विलय के कणों का आकार छोटा होता है। तो विलायक मुख्य रूप से सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा होता है, जल होता है। तो जल के अणु इस झिल्ली से इस कोशिका में प्रवेशित होते हैं। तो होगा क्या, इस कोशिका में उपस्थित विलयन के द्वारा उन प्रवेशित होने वाले जल के अणुओं को रोकने के लिए एक बल लगाया जाएगा, जिसके फलस्वरूप दाब उत्पन्न होगा, जो विलय के अणुओं को रोकने के लिए उत्पन्न होता है वो दाब इस विलयन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं द्रव स्थितिक दाब। कौन सा दाब बना, द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है जो विलय के अणुओं को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, उस दाब को क्या नाम देते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्रसरण दाब। परिभाषा क्या होती है वापस सुन लीजिए, विलय के अणु को या विलयन में उत्पन्न व द्रव स्थितिक दाब जो विलय के अणु को विलयन में प्रवेश करने से रोकता है या रोकने के लिए उत्पन्न होता है, उस दाब को नाम देते हैं प्रसरण दाब। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो प्रसरण क्रिया के द्वारा उत्पन्न दाब को प्रसरण दाब कहते हैं, लेकिन परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा होनी बहुत ही जरूरी होती है। पहली कैटेगरी प्रसरण दाब,
या उसको ऑस्मोसिस अथवा उसको शॉर्ट रूप में ओपी के नाम से जाना जाता है। जब ये जल इसके अंदर परिवेशित होता है तो रिक्तिका के अंदर जम जाता है। संग्रहित कहाँ होगा? वो रिक्तिका में होगा। अब रिक्तिका में प्रसार होगा तो ये रिक्तिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट इस कोशिका द्रवीय पर दाब डालेगी, और द्रवीय किसके ऊपर डालेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। सीधी सी बात, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो कोशिका द्रवीय में उत्पन्न दाब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लग रहा है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल रही है, फलस्वरूप कोशिका फूल रही है, फूलने की इस अवस्था को स्फीति अवस्था कहते हैं। तो होगा क्या? कोशिका किस में आई? स्फीति अवस्था में आई। क्यों हुई? क्योंकि कोशिका द्रव्य के द्वारा लगाया जाने वाला एक दाब जो कोशिका झिल्ली पे लगा हुआ है, उस दाब के कारण स्फीति अवस्था आती है। इसको नाम देते हैं हम स्फीति दाब। वापस समझ लीजिए, कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाया जाने वाला दाब जिसके फलस्वरूप कोशिका फूलती है, स्फीति दाब कहलाता है। क्यों होगा ये? कारण क्या होगा इसका? कि प्रवेशित जल रिक्तिका में प्रवेशित होता है, रिक्तिका की झिल्ली है कोशिका द्रव्य पर दाब लगाती है और द्रव्य के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन तन जाती है। इसको इंग्लिश में ट्रिगर प्रेशर कहते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में टीपी से लिखा जाता है। अब कोशिका झिल्ली पर स्फीति दाब लगातार बढ़ने के कारण कोशिका फूलती जाएगी, फैलती जाएगी, आकार बढ़ता जाएगा। उसकी तननीय क्षमता इतनी नहीं होती कि वो उत्पन्न दाब को झेल सके। इसलिए यदि कंटिन्यू स्फीति दाब होता बढ़ता गया, उस स्थिति में कोशिका फट सकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली पर स्फीति दाब के विरुद्ध और उतना ही कोशिका भित्ति के द्वारा दाब लगाया जाता है। भित्ति द्वारा झिल्ली पर लगाया जाने वाला स्फीति दाब की विरुद्ध दाब को भित्ति दाब या वॉल प्रेशर कहते हैं। हम इसे डब्ल्यू पी से लिखते हैं। किसे लिखेंगे? डब्ल्यू पी से। तो कुल कितने प्रकार के दाब हो गए? प्रासन दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब, जो तीन प्रकार से बनेंगे। तो ये पहला टीपी हुआ, उससे पहले ओपी पड़ा और इसके द्वारा क्या पड़ गया? डब्ल्यू पी। जब कोशिका पूर्ण रूप से सिकुड़ी हुई होती है तो स्फीति दाब शून्य होता है, कम होता है, उस स्थिति में प्रासन दाब अधिक होगा। लेकिन जब कोशिका पूर्ण रूप से फूल जाती है, स्फीति अवस्था में आ जाती है, तो प्रासन दाब कम हो जाएगा, स्फीति दाब का मान बढ़ जाएगा। लेकिन भित्ति दाब केवल और केवल स्फीति दाब की विरुद्ध लगाया जाता है तो उतना ही होता है जितना स्फीति दाब के बराबर होता है। तो मुख्य रूप से प्रासन दाब और स्फीति दाब के बारे में पढ़ा जाता है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप एक और स्थिति उत्पन्न होती है जिसको नाम देते हैं विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिस। इस डिफेक्ट के शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया था मेयर के द्वारा। मेयर ने 1938 में विसरण दाब न्यूनता को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि हमारे पास में दो, एक तो है शुद्ध जल अथवा शुद्ध विलायक और दूसरा क्या है? विलयन। अब इसमें से ए पार्ट से बी पार्ट की ओर लगातार जल के अणु जाते रहते हैं, बी से ए की ओर आता है, किसी झिल्ली में संरचना नहीं है, तो मुक्त रूप से इसका प्रवाह होगा। इस प्रवाह की क्रिया को नाम देते हैं विसरण दाब। तो विसरण दाब में अंतर होने के कारण इसमें से जैसे ए पार्ट से बी पार्ट या बी पार्ट से ए पार्ट में धीरे धीरे कण ट्रांसफर होते हैं, अथवा इस शुद्ध विलयन के अंतर्गत विलय के अंतर्गत ही मैं कुछ एक विलय कणों के मान को विलय कणों को डालता रहता हूँ। इसके फलस्वरूप इस विलयन में अथवा ए से बी में जाने से इस बी विलयन में अथवा बी से ए में आने से ए विलयन में विलय के विसरण दाब के मान में जितनी कमी आती है वो विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। वापस देख लीजिए, ए से बी में जाने पर अथवा बी से ए में आने पर एक अथवा ए में अथवा शुद्ध विलायक में कोई बाह्य विलय कण मिलाते हैं तो इस शुद्ध विलायक के विसरण दाब में जितनी कमी आती है वो कहलाती है विसरण दाब न्यूनता। वापस सुन लीजिए इसको, किसी
शुद्ध विलायक में विलेय कण मिलाने पर विसरण दाब में हुई न्यूनता, किसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब में हुई न्यूनता को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। जैसे ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं, ए का विलयन है, इसका मतलब इसमें जल की कमी है, तो इसका विसरण दाब न्यूनता है वो अधिक है, न्यूनता है वो अधिक। जबकि शुद्ध विलायक में विसरण दाब न्यूनता कम होती है, विसरण दाब न्यूनता सबसे कम है, तो न्यूनता कहाँ है, बी में। इसलिए बी पार्ट ए से जल को अवशोषित करेगा, क्या करेगा, अवशोषण। अब विसरण दाब न्यूनता के कारण बी में या बी विलयन में या बी पात्र में बी कोशिका में जल को अवशोषित करने की कैपेसिटी उत्पन्न हो गई, अर्थात इस दाब को या इस दाब न्यूनता को अवशोषण दाब भी कह सकते हैं। और अवशोषण दाब सबसे पहले रेनर नामक वैज्ञानिक द्वारा 1915 में परिभाषित किया गया था, और उसी अवशोषण दाब को क्या, किसके द्वारा परिभाषित किया गया, मेयर के द्वारा, विसरण दाब न्यूनता। तो इस न्यूनता के फलस्वरूप एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल को अवशोषण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जल अवशोषित हो जाता है। तो हमारे पास में कुल चार प्रकार के दाब प्राप्त हो गए हमें, प्राशन दाब, स्पीति दाब, भीति दाब, और चौथा करेक्टर है वो विसरण दाब न्यूनता। डीपीडी, ओपी और टीपी अथवा विभिन्न प्रकार के दाबों के मध्य संबंध पढ़ने से पूर्व हमें छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको नाम देते हैं जल विभव। विभव क्या होता है, जिसको रासायनिक विभव के नाम से जानते हैं। किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक विभव हमेशा उस तंत्र में पदार्थ की कार्य करने की क्षमता का द्योतक होता है। यह हमेशा निश्चित ताप पर और ताप दाब पर निश्चित होता है। क्या चीज़ है ये विभव, कि पदार्थ में पदार्थ के कार्य करने का द्योतक अथवा उस पदार्थ, उस विलयन में उपस्थित पदार्थ के द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान क्या कहलाएगा, रासायनिक विभव कहलाता है। तो जल विभव किसको कहेंगे, विभव का मतलब है तो मुक्त ऊर्जा का मान। तो हमारे पास में दो प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, एक तो है शुद्ध जल और दूसरा होता है विलयन। मान लेते हैं शुद्ध जल के अंदर 100% जल के अणुओं की संख्या है, तो इसमें कितनी हुई, 80% जल के अणु। विभव किसको कहेंगे, उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ, तो हमारे पास में यहाँ पे पदार्थ क्या है, जल के द्वारा या जल के अणुओं द्वारा मुक्त ऊर्जा का मान विभव कहलाता है। तो विभव किसका ज़्यादा होगा, जिसमें 100% शुद्ध जल है। आज विभव किसका मान कम होगा, जो विलयन में है, जिसमें 80% या जल की मात्रा कम है। तो विलयन में हमेशा विलेय पदार्थ मिले होने के कारण प्रतिशत रूप से जल की मात्रा होती है वो कम होती है। इसीलिए शुद्ध जल का या शुद्ध विलेय का विभव हमेशा अधिक होगा और विलयन का कम होगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो जल विभव कहलाएगा। या फिर हम दूसरी परिभाषा के रूप में बात करें तो जलीय विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण रासायनिक विभव में हुई कमी उस विलयन का जल विभव कहलाता है। इस जल विभव को साई के द्वारा, किसके द्वारा, साई PSI अथवा इस प्रकार का निशान, त्रिशूल के समान निशान के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि ये दाब है इसीलिए इसको बार इसका मात्रक होता है, जबकि विभव का होता है वो अर्घ प्रति सेंटीमीटर होता है। जल विभव के कुल तीन प्रकार के घटक हैं, कितने से मिल के बना होता है, क्योंकि विलयन है तो विलयन में तो बहुत सारे घटक होते हैं, विलय होता है, विलायक होता है, तंत्र होता है, कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। तो कुल कितने प्रकार का प्रकार या घटक जो जल विभव को निर्धारित करते हैं, तो ये कुल तीन प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है मैट्रिक्स दाब, या उसको हम कहते हैं साई एम। विलय में उपस्थित कणिकीय पदार्थों की सतह पर अथवा कोशिका की सतह पर
अवशोषित जल के अणु क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ये हमने एक विलयन लिया, इस विलयन के अंदर जलीय पदार्थ मिले, इसके अंदर विलेय मिले वो कणिकीय पदार्थ। तो अब जल कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले इस विलेय की सतह पर जल अवशोषित होंगे, कोशिका होंगे, उस कोशिका के अंदर परिवेशित होंगे। तो अवशोषित या अधिशोषित जो उस कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित है उन जल के अणुओं द्वारा भी विभव उत्पन्न होता है, उसको नाम देते हैं मैट्रिक्स विभव। तो परिभाषा क्या कहेंगे इसकी? परिभाषा होगी कि किसी कोशिका भित्ति अथवा जीव द्रव्य के कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित जल के अणुओं द्वारा उत्पन्न बल मैट्रिक्स विभव कहलाता है, इसको साई एम के नाम से जानेंगे। दूसरा होता है प्रासरण विभव, जिसे साई एस के नाम से जानेंगे। प्रासरण सॉल्यूट विभव क्या होगा? प्रासरण क्रिया अथवा प्रासरण दाब ही प्रासरण विभव होता है, लेकिन ये हमेशा प्रासरण विभव से कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। साई एस होगा वो ऋणात्मक होगा, जबकि प्रासरण दाब होगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरा आता है स्पीति विभव, जिसे साई पी के नाम से जानते हैं। लिखते कैसे हैं? साई पी से। स्पीति या इसको दाब विभव कहते हैं, स्पीति दाब को ही दाब विभव के नाम से जाना जाता है। तो जल के अणु जब परिवेशित होते हैं तो उस परिवेशित होने वाले अणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव दाब विभव कहलाता है, या इसको स्पीति दाब के नाम से जानते हैं, इसको साई पी से लिखा जाता है। इस प्रकार से तीनों प्रकार के विभव मिल करके क्या बनाएंगे? जल विभव। तो हम जल विभव का समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि हम जल विभव कैसे लिखते हैं? साई से लिखते हैं, इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। तीनों मिलके क्या बनाया? जल विभव बनाते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स पर अथवा कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित जल के अणु बहुत ही कम होते हैं, नगण्य होते हैं, इसलिए साई एम को हम नगण्य मान सकते हैं। उस स्थिति में जल विभव प्रासरण विभव और दाब विभव के इक्वल होता है। जल विभव में उत्पन्न अंतर के कारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्रवेशित होता है। ओपी टीपी और डीपीडी में जब हम संबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब कोशिका शल्त अवस्था में थी, सिकुड़ी थी, उस समय उसका टीपी का मान शून्य था। उस समय अधिक से अधिक जल के अणु उसमें प्रवेशित हो रहे थे, इसलिए ओपी का मान उस स्थिति में सर्वाधिक था। लेकिन जैसे जैसे कोशिका में जल प्रवेशित होता जाएगा, धीरे धीरे स्पीति दाब में वृद्धि होने के कारण, क्या वृद्धि हो रही है? स्पीति दाब में वृद्धि होने के कारण कोशिका का आकार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। तो एक्स एक्सिस पर जो लिया है वो कोशिका का आयतन है, वाई पर लिया है वो दाब में परिवर्तन है। तो कोशिका का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब टीपी बढ़ रही है, कोशिका का आकार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टीपी का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ओपी का मान धीरे धीरे घटता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ओपी और टीपी का मान बराबर हो जाएगा, कोई समानता नहीं होगी, कोई अंतर नहीं होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस स्थिति में कोशिका का आकार एक निश्चित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? साम्यावस्था। यानी साम्यावस्था में आती ही ओपी और टीपी का मान बराबर हो जाता है। ओपी और टीपी के मान में जितना अंतर होता है, ओपी और टीपी के मान में जितना अंतर होता है उसी को ही डीपीडी कहते हैं। तो डीपीडी के मध्य संबंध क्या हुआ? डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, या यदि इसको प्रत्यक्ष जल विभव के आधार पर देखा जाए तो डीपीडी होगी साई एस माइनस किसकी बराबर है? टीपी, और टीपी का विभव होता है वो साई पी। क्योंकि साई एस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साई एस माइनस साई पी, ये जल विभव के संबंध में है। तीन प्रकार की अवस्था आती है, साम्यावस्था, शल्तावस्था और स्पीति अवस्था। तो पहली कंडीशन, जब कोशिका पूर्ण रूप से शल्त अवस्था में होती है, शल्त अवस्था,
उस समय डीपीडी किसके बराबर होगी? तो सरलतावस्था में चूंकि टीपी का मान होता है शून्य होता है क्योंकि कोशिका पूर्ण रूप से सिकुड़ी हुई, तो टीपी इक्वल टू कितनी हुई? जीरो। उस अवस्था में डीपीडी किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर, क्योंकि टीपी तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डीपीडी हमेशा ओपी के बराबर, यानी सरलत अवस्था में विषम दाब न्यूनता प्रासन दाब के बराबर होता है। दूसरी अवस्था में जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीति अवस्था में आ जाती है, कौन सी अवस्था में आ जाती है? स्फीति अवस्था। उस समय टीपी का मान सर्वाधिक होता है जबकि ओपी का मान शून्य हो जाता है, नगण्य मान सकते हैं। तो जब ओपी इक्वल टू शून्य है तो डीपीडी किसके बराबर होगी? सीधी सी बात है, ओपी का मान शून्य हो जाएगा तो डीपीडी होगी टीपी के बराबर, लेकिन कैसी होगी? नेगेटिव होगी। डीपीडी स्फीति दाब के बराबर लेकिन ऋणात्मक पाई जाती है। जब कोशिका साम्यावस्था में आती है, किसमें आएगी? साम्यावस्था में। उस स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? साम्यावस्था में ओपी और टीपी बराबर है तो ओपी भी जीरो, टीपी भी जीरो। उस स्थिति में डीपीडी का मान कितना होगा? जीरो। हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो डीपीडी ओपी और टीपी में क्या संबंध हुआ कि डीपीडी हमेशा प्रासन दाब और विषम दाब की मान में अंतर के बराबर होता है। सरल कोशिका है तब टीपी का मान जीरो होने के कारण डीपीडी का मान प्रासन दाब के बराबर होगा। कोशिका जब स्फीति अवस्था में होती है तो ओपी का मान जीरो होने के कारण या शून्य होने के कारण डीपीडी हमेशा स्फीति दाब या टीपी के बराबर होगी लेकिन ऋणात्मक होगी, जबकि साम्यावस्था में ओपी और टीपी का मान जीरो होने के कारण डीपीडी शून्य होती है, उस अवस्था में जल का अवशोषण नहीं करते। तो इस विषम दाब न्यूनता में परिवर्तन होने के कारण ही एक कोशिका दूसरी कोशिका या आसन कोशिका से जल को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो विद्यार्थी प्राशन और विषम क्रिया के फलस्वरूप कोशिका में कुल चार प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, जिसमें से तीन मुख्य हैं ओपी टीपी डीपीडी और तीसरा आता है, चौथा आता है भीतीय दाब। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। कल हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।